के टीवी खबर जनता की। मंडियाहू स्थानीय थाना क्षेत्र के मंडियाहू तहसील में जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए दिखाई दिए। शौचालय होते हुए भी दीवारों पर मूत्र विसर्जन करते हुए लोग पाए गए। वजह साफ है कि शौचालय में सफाई का अभाव होना, सफाई न होने की वजह से लोग इतने परेशान हुए कि पूरे मंडियाहू तहसील के एक एक कॉर्नर को मूत्र विसर्जन स्थान बना दिया गया। जगह जगह शराब की बोतलें और गंदगी का अंबार दिखाई दिया। आपको बताते चले कि मंडियाहू तहसील क्षेत्र में क्षेत्राधिकारी मंडियाहू के कार्यालय के ठीक सामने नगर पंचायत मंडियाहू द्वारा प्याऊ लगाया गया है, जहां शराब की बोतलें आए दिन मिलती हैं। सफाई बरसों से नहीं है, यूं तो कहने के लिए तहसील के दोनों मुख्य द्वार पर शौचालय बना हुआ है, लेकिन वर्षों से ताला बंद होने के नाते किसी काम का नहीं है, अपितु आए दिन वहां शराब की बोतलें फेंकी हुई मिलती हैं। मंडियाहू तहसीलदार कार्यालय के पीछे और उप जिलाधिकारी कार्यालय के करीब खुले में मूत्र विसर्जन करते लोग दिखाई देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूके टीवी। यहाँ कोतवाली के अंदर भी वही व्यवस्था है, नेचुरल व्यवस्था, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि शौचालय होते हुए भी यहाँ पे नेचुरल तरीके से बाहर गंदगी किया जाता है। पता नहीं कब लोग सुधरेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस वक्त मैं तहसील परिसर के चौथे कॉर्नर पे हूँ, जहाँ पे यहाँ पे नित्य क्रिया करने की कोई व्यवस्था ना होने के वजह से लेखपाल जहाँ बैठते हैं उसके ठीक पीछे के भवन का इस्तेमाल किया जाता है, और दीवार के बीच में आराम से इतना बड़ा नेचुरल सुलभ शौचालय बनाया गया। और कमाल की बात ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो शौचालय है उसका ताला कभी खुलता नहीं है, लोग मजबूर हैं। आप सोच के देखिए, जब अधिकारी ही इस तरीके से दीवार के पीछे जाने के लिए मजबूर होंगे तो क्या होगा हमारे देश का, क्या होगा हमारे गांव का। गरीबों पे लोग चिल्लाते हैं कि शौचालय का पैसा खा लिया, तमाम तरीके के आरोप लगाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ये एक दिन में थोड़ी ना हुआ होगा। आप वीडियो देखने वाले ये चीजें जानते हैं कि ये जो गंदगी हुई है ये एक दिन में नहीं हुई है। लेकिन कमाल की बात यह कि यहाँ तहसील परिसर में मंडियाहू तहसील के सभी अधिकारी बैठते हैं, किसी ने कभी आवाज उठाने की जरूरत नहीं की, किसी ने कभी जरूरत नहीं समझी आवाज उठाने की। और कमाल की बात यह है भैया कि यहाँ पे कॉर्नर में इसलिए भी लोग आते हैं क्योंकि देसी टिकाने का बहुत अच्छा जगह है, तो तहसील परिसर में देसी मिलना, जहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ग्रहण करने के साथ साथ एक आदेश जारी किया था कि किसी भी सरकारी भवन में पान गुटखा थूकते हुए नहीं मिलेगा, वहां पे आप सफाई का क्या उम्मीद कर सकते हैं। जहां दारू की बोतल भी मिल रही है तो भाई साहब पान गुटखा तो उससे कमी है, सॉरी मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, लेकिन दारू के बोतल के सामने तो पान गुटखा कम ही है ना। कमाल की बात यह कि यहां पे लेखपाल भवन में लोग चाय पीते हैं और बड़े प्यार से पीछे फेंक देते हैं, क्यों डस्टबिन तक कौन फेंके भाई, थोड़े में हाथ पैर दुखने लगेंगे तो साफ सफाई का ख्याल क्यों रखा जाए भाई। तो ऐसे हमारा देश सुधरेगा और ऐसे हमारा देश बेहतर बनेगा, ऐसे हमारे अधिकारी काम करेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है भाई। यहाँ पे पानी देखिए सॉरी पानी की इतनी बदबू है कि खांसी आ गई, सॉरी माफ करिएगा। यहाँ पानी में इतनी गंदगी है, पानी में सड़ा हुआ पानी है, पता नहीं कब का पानी पड़ा हुआ है। और कमाल की बात यह है यहाँ पे हमारे मंडियाहू तहसील का लेखपाल भवन है। इस समय मैं तहसील परिसर के पीछे हूँ, जहाँ पे आप जानते हैं कि देश में स्वच्छता का अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन माननीय मोदी जी के द्वारा चलाया जाता है। वहीं पे तहसील परिसर में साफ सफाई का आलम यह है कि यहाँ पे लोगों को नित्य क्रिया करने के लिए भी तहसील का कॉर्नर इस्तेमाल करना पड़ता है। और जैसे कि आप स्थिति देख पा रहे हैं, इतनी गंदगी, इतना कचरा, यहाँ पे नगर पंचायत मंडियाहू का सामान रखा हुआ है जो कि कचरा ढोने के काम आता है। और कमाल की बात यह है कि इन कचरों में आपको दारू की बोतल भी दिख जाएंगी और तमाम तरीके की चीज़ें दिख जाएंगी। कमाल की बात यह है कि ये तहसील परिसर है, मंडियाहू का तहसील परिसर है, जहाँ साफ सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। और जब अधिकारी ऐसे खुले में पेशाब करने के लिए मजबूर है तो आम आदमी कहाँ जाएगा। सोच के देखिए, जब अधिकारी मजबूर है गंदगी में रहने के लिए तो बाकी लोगों का क्या होगा, ये तो भगवान ही जाने। कमाल की बात यह कि यहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था है, बड़ा सौभाग्य है इनका, कम से कम नल चलता तो है, लेकिन सफाई देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे बरसों से होने के नाते तहसील दिवस है,
लगभग तहसील के सभी अधिकारी आज तहसील दिवस में उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। और कमाल की बात यह है कि किसी को इसकी पड़ी ही नहीं है कि तहसील में काम करने वाले अधिकारियों के नित्य क्रिया के लिए भी कुछ स्थान होना चाहिए। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सकते हैं, इस समय मैं मड़ियाहू तहसील के अंदर हूँ, जहाँ नगर पंचायत मड़ियाहू द्वारा स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत धूल मिट्टी यहाँ जमी हुई है। लोग यहाँ पे पेशाब घर होने के बावजूद भी बगल में नित्य क्रिया करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पे नगर पंचायत के द्वारा कोई साफ सफाई नहीं की जाती है, ना ही किसी प्रकार की। आप देख सकते हैं ये मड़ियाहू तहसील के अंदर बाउंड्री वॉल का कॉर्नर है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बाउंड्री वॉल नहीं पेशाब घर हो चुका है। सॉरी, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन शायद नगर पंचायत को इस बारे में अगर शो पहले खराब हो चुका है और भगवान भरोसे ही चल रहा है। तो ये थी करामात मड़ियाहू नगर पंचायत के द्वारा निर्मित यहाँ पे शौचालय और पेशाब घर की, जहाँ पे ना